तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। आखिर सलमान लेंगे किसकी हेल्प? फिल्म में क्यों रखा इमोशनल सीन? हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड राज स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी तेरे नाम 2 के साथ में। मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों बता दें कि तेरे नाम 2 बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट करेंगे तेरे नाम पार्ट 1 के ही डायरेक्टर सतीश कौशिक। दोस्तों आपको बता दें कि तेरे नाम पार्ट 1 एक तमिल फिल्म सेतु 1999 की रीमेक फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2003 में। फिल्म में थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स भी होने वाले हैं और वो सीन्स और कोई नहीं बल्कि सलमान खान निभाने वाले हैं। सलमान खान को कॉमेडी सीन्स किए हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया है एंड सलमान खान कॉमेडी सीन्स के दौरान एक स्टैंड अप कॉमेडियन को अपने साथ रिहर्सल के लिए बुलाएंगे जिससे कॉमेडियन उनके डायलॉग्स के लिए हेल्प करेंगे और उनको एक्टिंग स्किल्स में भी थोड़ा पॉलिश करेंगे। वैसे तो सलमान खान का ग्रास्पिंग पावर काफी तेज है तो हमें उम्मीद है कि सलमान उनके कॉमेडी सीन्स को बेहद अच्छी तरीके से निभाएंगे और दर्शकों का दिल जीत लेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार फिल्म का क्लाइमेक्स काफी पॉजिटिव होने वाला है जिसकी एंडिंग में किसी की भी मौत नहीं होगी और ना ही कोई रोएगा। और दोस्तों बता दें कि फिल्म के पॉजिटिव क्लाइमेक्स की वजह होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, नवाजुद्दीन सर आएंगे क्लाइमेक्स के छोटे सीन में जिसमें वो हीरो और हीरोइन को एक करने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश पूरी तरह से कामयाब भी हो जाती है। पर फिल्म के मिडिल पार्ट के सीन्स काफी ज्यादा इमोशनल भी होने वाले हैं। जब डायरेक्टर सतीश कौशिक से पूछा गया कि पार्ट 2 में इतने इमोशनल सीन्स की वजह क्या है तो जवाब में उन्होंने ये कहा था कि फिल्म में इमोशनल सीन्स होना जरूरी है क्योंकि इमोशनल सीन्स से ही दर्शकों को फिल्म से अटैचमेंट होती है और वो उनके दिल के करीब हो जाती है जिस पर व्यूअर्स को फिल्म को काफी आसानी से भूल नहीं पाते। अब दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कई अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड राज स्टूडियोज। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है रिया।